केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह अचानक सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंच गए। क्यों सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज और क्या है इस मुलाकात के मायने, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल सोमवार सुबह अचानक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिलने उनके घर पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच काफी लंबी बातचीत देखने को मिली और दोनों ही नेता काफी देर तक मुस्कुराते हुए बात करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। ये भी बता दें कि बीते दिन शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर थे। इस दौरान उनके काफिले को बीच रास्ते में ही अतिथि शिक्षकों ने रोक दिया था। उन्होंने नियमितीकरण की मांग को दोहराते हुए सीएम से कहा था कि अब बस आपसे ही उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सीएम से बातचीत की होगी। वहीं बता दें कि एमपी में बीते कई दिनों से सोयाबीन किसान भी एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीहोर में ही बीते दिन शिवराज ने किसानों को भी एक भाषण के दौरान एमएसपी पर फसल खरीद को लेकर आश्वासन दिया था। ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ही अहम मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव से बातचीत की होगी। इसके अलावा ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। वो इस समय झारखंड में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव भी आज दुमका में चुनावी रैली करने वाले हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही नेताओं में झारखंड चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी। अब शिवराज की सीएम मोहन यादव से इस मुलाकात का क्या नतीजा देखने को मिलता है, ये आगे आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।